Hello students, welcome to this channel. I'm your math teacher. Today I'm class 9th chapter factorization exercise 5b question 18 part 4 ko yahan pe hum solve karenge. Yahan pe aapka jo question 18 hai iske part 1 and 2 and 3 ko hum previous videos mein solve kar chuke hain. Aap un videos ko bhi watch kar lijiye taki aapko question acche se samajh mein aa sake. And question samajh mein aa jaye then ise aap khud se bhi solve karne ka try kare. Theek hai? तो नाउ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है फॉर ईच ट्राइनोमल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन बिलो फाइंड वेदर इट इज फैक्टराइजेबल और नॉट फैक्टराइज इफ पॉसिबल. तो सबसे पहले जो आपके गिवन इक्वेशन है इसे हम चेक करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 ये फैक्टराइजेबल है या नहीं. इफ फैक्टराइजेबल है तो हम इसे फैक्टराइज कर देंगे. तो फैक्टराइजेबल है या नहीं ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं कंपेयर करते हैं. Comparing with ax square plus bx plus c equals to 0 से इसे हम क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे. तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आपके कितनी है 3. x square का कोफिशियंट a है तो यहाँ पे x square का जो कोफिशियंट है 3 तो a की वैल्यू 3. b यहाँ पे देखिए आपके पास 4 है. c कितना है माइनस 10 है. ठीक है सभी की वैल्यू मिल गई है आपके पास. नाउ हम क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे. तो b देखिए यहाँ पे 4 हाफ स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए है आपके पास 3 इंटू सी है माइनस का 10 है. कैलकुलेट कर लीजिए 4 4 से 16 हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 से 12 10 से 120. ठीक है बच्चों ये 120 हो जाएगा आपके पास. यहाँ पे देखिए 16 प्लस 120 दैट इज 136 136 आ जाएगा. ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके बच्चों आप भी चेक कर लीजिएगा 136 किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 136 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो equation 3x square minus 4x minus 10 is not factorizable. ठीक है बच्चों आपका factorizable नहीं है. आई होप आपको एक्सरसाइज 5b क्वेश्चन 18 पार्ट 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है देन उसे आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग.